शिक्षा केरियर जॉब्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू शिक्षा केरियर जॉब्स। दोस्तों आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास है ये, और ये बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक क्लास जो है स्टार्ट होने जा रही है, और इसमें आपको जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाए। नॉर्मली स्टूडेंट इंग्लिश की कोचिंग कर करके, स्पीकिंग क्लास की कोचिंग कर करके परेशान हो जाते हैं। उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, ठीक से पढ़नी नहीं आती है, वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी वीडियो देखते हैं लेकिन उनको एक जो ऑप्टिमम आउटपुट है, जो उनको आउटपुट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। यहाँ पर हम आपको एक कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको जो है दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में, और जिसको करके आप निश्चित रूप से इंग्लिश को बोल भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। अगर मैं किसी भी भाषा की अगर बात करूँ तो भाषा में निपुणता आपकी तब मानी जाती है जब आप उसको पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छी तरह जानते होंगे। तो किसी भी भाषा में विचारों का जब आदान प्रदान कब आएगा, जब आप उस भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप बिल्कुल जड़ से जो है जीरो लेवल से उसकी शुरुआत करेंगे सीखने की। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अगर आप कोई मूवी अगर जो है टीवी में चल रही है और एक घंटे की निकल गई है, तो आप अगर 20 से देखना स्टार्ट करेंगे तो मूवी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको मजा थोड़ा आ सकता है, बट आपको बिल्कुल बेसिक जो शुरू से जो समझने का जो मजा है ना, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से, वो आपकी समझ नहीं बन पाएगी। तो इसी तरह लैंग्वेज का है, तो समझ आपको तभी आएगा और अच्छी तरह आप तभी जो है एक समझदारी आपकी बन पाएगी जब आप बिल्कुल जड़ से जीरो लेवल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में जो है मैं बिल्कुल बेसिक से ही आपको जो है इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे स्टार्टिंग में हम जानने वाले हैं कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको एक इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे हिंदी भाषा में अक्सर होते हैं वर्ण होते हैं ए आ छोटी बड़ी इस टाइप से, तो इंग्लिश भाषा में ए बी सी डी, वो सब मैं जो है आपको बताने वाला हूँ। कितने अल्फाबेट वर्ड माला आपको अक्सर यानी कि लेटर्स वर्ड्स क्या होता है, आपका वाक्य सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ अनुच्छेद क्या होता है, एंड साथ ही साथ जो है जो आपका डिफरेंट डिफरेंट जो लेटर्स यानी कि ए बी सी डी इनका जो साउंड है जिनको फोनेटिक बोलते हैं, उन साउंड्स को भी हम जो है देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। साथ ही साथ वचन यानी कि जो नंबर्स होते हैं, एक वचन बहुवचन आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वो आपको बताने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो वाक्य होता है और उसके जो वाक्य के जो भाग होते हैं, जैसे सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये सब आपको बहुत ही डीपली आपको पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। सेंटेंस एंड इट्स टाइप वाक्य के प्रकार कितने होते हैं ये आपको पढ़ाएंगे। पंचुएशन जो विराम चिन्ह लगाते हैं वो आपको बताने वाले इस वीडियो सीरीज में। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज ए और एन का प्रयोग आप कहाँ कहाँ पे कैसे करते हैं, क्या नियम है, वो आपको हम बेसिक से बताने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्द के भेद, जैसे नाउन संज्ञा क्या है और संज्ञा के प्रकार, जेंडर वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस और उसके प्रकार, वर्ब क्रिया और क्रिया के प्रकार, जितनी भी टाइप की क्रियाएं होती है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण और विशेषण के प्रकार, एडवर्ब एंड इट्स टाइप क्रिया विशेषण और इसके प्रकार, कंजक्शन संयोजक, एंड प्रीपोजिशन यानी कि आपका संबंध सूचक, जैसे आपका इन है, इनटू है, इनसाइड है। तो ये सब जो है हम आपको प्रैक्टिकली जो है आपको समझाने वाले हैं, आपसे एक्सरसाइज कराने वाले हैं। डिटरमाइनर्स, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक सिंपल सेंटेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड यहाँ पे आपको जो देयर, इट, इज मेड ऑफ, इज मेड फ्रॉम का प्रयोग भी आपको बीच बीच में हम बता देंगे। एंड हम आपको एक बहुत ही डीप नॉलेज के साथ, ताकि आप कभी ना भूलें, टेंसेस और इसके प्रकार हर एक सेंटेंस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे पास्ट फ्यूचर सारे सेंटेंस आपको बहुत ही एक अच्छी तरीके से, ताकि आप कभी ना भूले, आपको जो है हम कराने वाले हैं। जितनी भी वर्ब्स होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, एक्सिलरी वर्ब हो, मॉडल वर्ब हो, उन सबको जो है हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में, ताकि आपका कोई भी कोना इंग्लिश का ना छूटे। हम यहाँ पे जेरंड, इन्फिनेटिव, टू एंड पार्टिसिपल्स आपको जो है समझाने वाले हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होती है एंड जो सेंटेंसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, इंपेरेटिव है, एसर्टिव है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इन सब की हम जो है आपको एक डीपली नॉलेज आपको जो है देने वाले हैं। साथ ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जो टॉपिक्स होता है, ये कंपिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम में दो से तीन जो क्वेश्चन होते हैं एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो वो भी हम एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन, किसी भी भाषा को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो उसका जो ढंग है प्रोनाउंसिएशन का, तो वो हम आपको जो है प्रैक्टिस कराने वाले हैं और समझाने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट, इंग्लिश वोकैबुलरी, किसी भी भाषा की अगर मैं रीढ़ की हड्डी की बात करूँ तो वो वोकैबुलरी है। वोकैब में हम आपको जो है डेली हम कम से कम आपको जो है 10-20 वर्ड्स देने वाले हैं प्रैक्टिस करा के, गारंटी आपके दिमाग पे कोई भी जोर पड़ने वाला नहीं। हम आपको इस तरह पढ़ाने वाले हैं कि आपको मजे मजे में याद हो जाए, और मैं यहाँ पे आपको जो है डेली प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वो क्या की। एंटोनिम्स आपके विलोम शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में उल्टा, जैसे आपका मैं पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, यानी कि प्लस का माइनस, इस टाइप से। सिनोनिम्स आपके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, वन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एंड आपका जो इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है आपका, उसको हम उसकी भी प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं आपका, चाहे किसी भी प्रकार का आपका कन्वर्सेशन हो। नॉर्मली कोई अगर क्लास करता है तो कुछ सेंटेंस उनको रटवा दिए जाते हैं, एंड 10-15 मिनट अगर वो बात करते हैं तो उनकी इंग्लिश जो है वहीं पे जो है उनका काम तमाम हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे, जब आपको सारे नियम कानून पता चल जाएंगे, तो आप आराम से फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा पाऊंगा बोलने की, तो आप कन्वर्सेशन मेरे साथ करेंगे एंड ताकि जो है आप बोलना स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ जो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस है उनकी भी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग की भी मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये बेसिक क्लास ग्रामर क्लास है। अगर ग्रामर आपकी स्ट्रॉग है तो आप कभी भी किसी से भी हटने वाले नहीं है। आप कोई भी अगर जो दो चार सेंटेंस रट के या कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ सेंटेंस रट के जो है हम इंग्लिश बोलते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ कंपिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, पीसीएस एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम हो, डिफेंस फोर्सेस के आपने एनडीए, सीडीएस, एफकैट, असिस्टेंट कमांडर, हर एक एग्जाम में जो इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट है वो काफी ज्यादा है, तो मैं हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में आने वाले जितनी भी इंग्लिश है उन सब के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ आपको जो है मैं समझाने वाला हूं। आप जो है आपसे मैं एक्सरसाइज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं उनको सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि आपको जो आपकी हर तरीके से आपको जो है इंग्लिश पे विजय प्राप्ति है, इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में आपको मैं कराने वाला हूं। और यहां पे जो है आपको मैं लिखने की, पढ़ने की, समझने की और बोलने की, इन चार चीजों पे मैं फोकस करने वाला हूं। और साथ ही साथ आप जो कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 10th में है, 12th में है, 8th क्लास में है, या आप
इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आप किसी भी एज में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कोर्स की डिमांड क्या है? ये कोर्स सबसे पहली बात बिल्कुल फ्री है, एक रुपया भी आपको नहीं देना है। मटेरियल भी मैं आपको दूंगा जो जरूरत होगी। इसके लिए आपको एक पेन और आपको जो है एक कॉपी, एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो मैं बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। मैं अगर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके जो है आप देख सकते हैं। आपको जो है जो डेली मैं वोकैबुलरी देने वाला हूं, डेली में जो है आपको जो 10 से 15-20 वर्ड की जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, आप उसको फॉलो करना है। यकीन मानिए दोस्त, आपको जो है जैसा मैं बताऊंगा अगर आपने फॉलो किया, तो आप चाहे गांव से हो, आप किस भी लेवल से, आपको ABCD नहीं पता, तो आप जो है मेरी क्लास को अटेंड करके आप जो है इंग्लिश बोलना पढ़ना समझना सीख जाएंगे, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसको भी अच्छी तरीके से बहुत ईजिली तरीके से कर लेंगे। तो आप जो है करना क्या है, आपको डेली मेरी जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस आपको फॉलो करनी है, एंड डेली आपको जो है वीडियो लेक्चर देखना है। जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूं वो आपको करना है। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर जरूर देना है, एंड मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस में लाना। आप सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक वीडियो सीरीज है। जैसे ही मैं वीडियो डेली अपलोड करूंगा आपको जो है नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब आप मेरा यूट्यूब चैनल जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो घंटी वाला बेल वाला जो बटन है ना उसको दबा दें। उसको जब आप दबा देंगे ओले नोटिफिकेशन कर देंगे, तो आपको जो है मेरी चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर ले, ताकि मैं जितने भी PDF या मटेरियल दूंगा या वीडियो दूंगा तो आपको उस चैनल पर मिलकर कोई परेशानी आ रही ज्वाइन करने में, तो जो है आप कमेंट कर दे, या हमारे फेसबुक ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जो हमारा पेज है शिक्षा करियर जॉब्स उसको आप लाइक कर दे और उस ग्रुप में आप आ जाए, वहां पे भी आपको सारी PDF मिल जाएगी। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं एक भी रुपया आपका खर्च ना हो और आपको बिल्कुल क्वालिटी वाली जो है इंग्लिश क्लास मिले, बिल्कुल बेसिक जड़ वाली इंग्लिश।